इस मुख्तसर सी जिंदगी में हर एक परेशानी का शिकार है। हर एक ये चाहता है कि उसे दिल का सुकून मिले, लेकिन दिल का सुकून भला कैसे मिल सकता है। नमाज तुमसे पढ़ी नहीं जाती, निगाहों की हिफाजत तुम करते नहीं, औरतें बाजारों की जीनत बनी हुई हैं, फिल्मों ड्रामों से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती और दीन तुम फिल्मों ड्रामों से हासिल करना चाहते हो। खेल के मैदान आबाद हो रहे हैं, जबकि अगर मस्जिद में 5 मिनट बैठ जाओ तो तुम्हें ऐसा लगता है से तुम पर क़यामत बरपा कर दी गई हो। दिन को तुम जुमे मुहर्रमुल हराम रबीउल अव्वल को याद करते हो, बाकी किसी भी दिन या किसी भी महीने तुम्हें अपना रब क्यों नहीं याद आता। तुम कोरोना वायरस को अल्लाह ताला का अजाब कहते हो और मैं कहता हूँ ये तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है जिसने सोई हुई उम्मत को ये बताया कि इस जहां को चलाने वाला भी कोई है, एक हस्ती है जिसके आगे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, एक हस्ती है जिसे तुम सब लोग बुलाकर बैठ गए हो, एक हस्ती है जिसकी तरफ आखिरकार लौट कर जाना है। अगर तुमने आज भी तौबा ना की, अगर तुम आज भी अपने गुनाहों पर दिलेर रहे तो फिर उस वक्त का इंतजार करो जब अल्लाह ताला की पकड़ आ चुकी होगी और उसकी पकड़ से छुड़ाने वाला भी कोई और नहीं होगा। वो मोहलत पे मोहलत और तू खता पे खता, ए इंसान सुधर जा सुधर जा सुधर जा।